खरगोन के कसरावत रोड पर सोमवार को शहर के ऐतिहासिक सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के प्रतीक 130वें श्री नवग्रह मेले का सोमवार को सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक रवि जोशी सहित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ समारोह पूर्वक भूमि पूजन हुआ। विधायक सहित सांसद ने कहा कि मेले को लेकर विरोध की बातें भी सामने आई थी, लेकिन यह मेला मनोरंजन के साथ आर्थिक मेला है, कई लोगों को रोजगार मिलता है। कोरोना के बाद लोग फिर से मेले की परंपरा बनी रहे और इसका स्वरूप भी बना रहे, इसे ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जाएगी। सांसद ने दुकान आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ओपन लॉटरी या ऑनलाइन आवेदन एवं राशि जमा कराए जाने के निर्देश भी दिए। सीएमओ ने कहा 10 मार्च से 10 अप्रैल तक लगाया जा रहा है। बिजली, पानी, स्वच्छता की व्यवस्था नगरपालिका करवाएगी और दुकानों के आवंटन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। पहली दूसरी पड़ता था खरगोन के शिशु मंदिर में पड़ता था, तो कई बार हमारे पिताजी के साथ हम मेले में आते थे। अब बच्चे रहते तो बच्चे का स्वरूप अलग रहता है और वो दृश्य आज भी याद है। ये मैदान भी वही है, जगह भी वही है और समय बढ़ता गया और हम बच्चे से बड़े हो गए। और ऐसे कई लोग हैं जो पहले मेला देखने आते थे पर आज मेला लगाने की भूमिका में आ गए हैं और आज मेले के व्यापारी बन गए। एक जुड़ाव जो रहता है जिसे हम कहते हैं कि भगवान नवग्रह से जुड़ा हुआ है। खरगोन का नाम मध्य प्रदेश में भगवान नवग्रह के नाम से लिया जाता है। एक अटैचमेंट इस मेले से होना चाहिए। ये जरूर है कि यहाँ पर सबका मत होता है। अभी कुछ लोग हमारे मेला नहीं लगे, ये भी विषय भी आया। अलग अलग अपनी अपनी वो कोई बड़े फंक्शन हो, ये सभी कहने के प्रतिबंधित थे। परंतु आप विश्वास करिए कि आज इस मंच से मैं कहता हूँ और बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर दुनिया को कोरोना अगर दिया तो चीन ने दिया, और दुनिया को अगर इस कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन अगर दी तो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने दी है, देश के प्रधानमंत्री ने दी है। और आज हम सब लोग सुरक्षित हैं और उसका उदाहरण ये है कि आज हम सब लोग बिना मास्क के भी। शहर के तमाम साथी ये चाहते थे ये चीज नहीं बोलना चाहिए कि मेला नहीं लगे, लेकिन मेरा कहना हर साल मेला लगता है। 130 साल की परंपरा है, परंपरा न टूटे, ऐतिहासिक परंपरा है। कोरोना की गाइडलाइन की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको सतर्कता रखना हमारे हिसाब से जरूरी है। खरगोन की ये मेला आन बान शान और हमारी पहचान है। ये मेला की परंपरा हम किसी भी विपरीत परिस्थितियों में सब मिलके बंद नहीं हो, लेकिन हमारा प्रयास हो कि मेला अगली बार कोई बीमार साल के बाद आज हम यहाँ सब बिना मास्क के दिख पा रहे हैं, तो ये सबके लिए मैं आप सबको पुनः बधाई देती हूँ। और दो साल हम जो मेले का स्वरूप होता था जितना भव्य नहीं हो पा रहा था कोरोना की वजह से, इस साल हम पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे जैसा कि पूर्व के वर्षों में होता आता रहा होगा। 130वें नवग्रह मेला के भूमि पूजन जो कि 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक अभी अवधि तय की गई है, एक माह के लिए हम इस मेले को लगाने जा रहे हैं। इस मेले की जो व्यवस्थाएं हैं वो नगर पालिका द्वारा की जाती हैं, आपको मैं उससे अवगत कराना चाहूंगी कि मेले में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट, एक हमारे पास स्थायी टॉयलेट यहाँ पे है। इन व्यवस्थाओं के साथ मैं एसपी महोदय से आग्रह करूंगी कानून व्यवस्था जो मेले में सुचारू रूप से होना चाहिए उसका हमें वो सौभाग्य देंगे। दुकानों की आवंटन की प्रक्रिया जो होती है उसमें कुछ विसंगतियां रही हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन विसंगतियों को दूर करके हम इस वर्ष पहले आओ पहले पाओ के माध्यम से दुकानों का आवंटन करेंगे, जिसकी प्रक्रिया हम आज जिसका हम एडवर्टाइजमेंट जारी कर देंगे कि आज हम फिजिकल क्राउड की स्थिति में, त्यौहार और उत्सव मनाने की स्थिति में आ गए और निश्चित तौर पर यह मेला इस खरगोन की जनता के लिए, खरगोन के व्यापारियों के लिए, खरगोन के दर्शकों के लिए लाभकारी भी रहता है, आनंदित भी रहता है। और इसलिए मैं पूरी खरगोन की जनता को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पूरा चलने वाला मेला, क्योंकि यह लगना था ऐसे दिसंबर में, परंतु कहीं कहीं कोरोना काल के कारण से और कहीं कहीं परिस्थिति ऐसी बनी जिससे मेला दोनों लेट हुआ, फिर भी परंपराओं का निर्वहन करते हुए मेला आयोजित किया जा रहा है। गर्मी का मौसम भी रहेगा और निश्चित तौर पर दोपहर में परेशानी रहेगी, पर ये इसका एक आनंद एक अलग है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से अभी इसी अगले महीने मार्च में जनजातियों का भंगोरिया पर्व भी आ रहा है, जो भंगोरिया हाट के नाम से जाना जाता है, वो भी निश्चित तौर पर जनजाति का बहुत मुख्य त्यौहार है।
इस अवसर पर भी पिछले दो सालों से ये भी त्यौहार जनजातियों का नहीं मनाया गया, इसलिए पूरे जनजाति समुदाय का पूरे हिंदू संस्कृति में बहुत शुभकामना देता हूँ कि त्यौहार मनाया जाएगा। जिस प्रकार से पूरी जनता इस विषय को लेकर उत्साहित है, निश्चित तौर पर इसका लाभ जनता को मिलेगा। इस प्रकार से युद्ध चल रहा है तो भगवान नौग्रह से क्या प्रार्थना की? निश्चित तौर पर मैंने अभी हरदोन के नौग्रह मंदिर में दर्शन किए, मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी है कि जिस प्रकार से इस देश में कोरोना का संकट आया, दुनिया में आया और सभी ने मिलकर इससे बाहर भी आए हैं, इससे हम अब सुरक्षित भी हैं। निश्चित तौर पर युद्ध की स्थिति चल रही है, युद्ध विगत 5 दिन से सतत चल ही रहा है, उसमें हमारे देश के नागरिक भी हैं, कई छात्र भी हैं और मैं विगत 3 दिनों से मेरे कई छात्रों से उनके बालकों से बात भी कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम देश विकासशील हो रहा है, देश बढ़ रहा है, उसी तरह से हमारे जो नागरिक हैं वहाँ सुरक्षित रहें और जिस प्रकार से सरकार ने प्रयास 2 दिन से शुरू किया है कि हमारे नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित यहाँ पर देश में लाना है, तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि जल्दी से ही हमारे सब छात्र और हमारे नागरिक हमारे देश लौटेंगे, ये मैंने पूछा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।